नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम पेट केयर में। मैं हूं डॉक्टर कृतिका चौबे। भीषण गर्मी और बढ़ते हुए तापमान को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा विषय है गर्मियों में पालतू पशुओं में होने वाली बीमारियां एवं निदान। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपाली देशपांडे को, जो कि एक सीनियर वेटनरी सर्जन है और आज हमारे साथ यहाँ इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं आपका परिचय हमारे आज के स्पेशल मेहमान से भी करा दूँ, नारायण सिंह जी से, जो कि पेट लवर हैं और आज हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे। मैम, चर्चा को आगे बढ़ाएं कि जो हमारा आज का विषय है गर्मियों में पालतू पशुओं, तो मैम कौन कौन सी बीमारियां पालतू पशुओं में गर्मियों के मौसम में आम तौर पर देखी जाती हैं? पशुओं को हम दो कैटेगरी में विभाजित कर देंगे, छोटे पशु और बड़े पशु। जो छोटे यानी कैनाइंस फेलाइंस यानी कुत्ते बिल्ली और ये सारे पशु जो छोटे साइज में छोटे बेसिकली, और बड़े पशु में गाय भैंस घोड़ा ये सब आ जाते हैं। तो छोटे पशुओं की बीमारियां थोड़ी डिफरेंट है, जैसे डिहाइड्रेशन होता है यानी कि पानी की कमी हो जाती है और उसमें मिनरल्स की भी कमी हो जाती है साथ में। फिर उनको हीट स्ट्रोक यानी लू लगना जैसे हम ह्यूमन बींग्स में होता है, इंसानों में होता है, वैसे ही लू उन्हें भी लग जाती है और सन बर्न्स भी हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हम तो जूते पहन लेते हैं, उनके पाँव में कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। सो अगर हम उन्हें घुमाने शाम को ले जाते हैं तो सन बर्न्स भी हो सकते हैं। बड़े पशुओं में दूसरे तरह की बीमारियाँ होती हैं, उनमें भी डिहाइड्रेशन होता है, उनमें मेनली कैल्शियम सोडियम सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम इसकी कमी हो जाती है और कभी कभी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस भी हो जाती है, मीन्स उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाती है। तो इसलिए फिर उन अगर हम उसमें ये चीज़ें होती हैं समर्स में, और उसके अलावा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो जो हम कहते हैं गर्मी में नहीं आती है और दूध कम हो जाता है जी। सो इस तरह की प्रॉब्लम बड़े पशुओं में भी देखी जाती है, घोड़ों में भी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, जैसे आपने अभी बताया कि छोटे पालतू पशुओं में उनके पॉज जल जाते हैं जो उनके पंजे होते हैं, तो सनबर्न्स और कहीं भी देखे जाते हैं उनके अन्य शरीर के भागों में? पालतू पशुओं में सनबर्न्स तो ज़्यादातर पॉज में ही देखने में आए हैं, क्योंकि हम कभी कभी शाम को भी अगर घुमाने ले जाते हैं तो 5 बजे 6 बजे तक भी कई बार फ्लोर गर्म रहता है जी। और उसे हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो या तो उनकी बूटीज भी आती हैं आजकल मार्केट में तो वो यूज़ करें, या फिर 6:30 के बाद का टाइम यूज़ करें जिसमें घुमाने के लिए तो गर्मी मतलब फ्लोर ठंडा हो जाना चाहिए जी जी, जमीन ठंडी होना चाहिए, अगर जमीन गर्म होगी तो बर्न्स हो सकते हैं। वही एरिया है जहाँ से वो सबसे ज़्यादा हीट डेसिमेट करते हैं, इस हीट निकल जो हम जैसे पसीना जो निकलता है ना, उस तरह की जो हीट को परकुलेट करने की बॉडी की वो है तो उनकी पॉज से है। अच्छा। और वो बर्न हो जाते हैं तो फर्दर प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है। नारायण जी, मैं आपसे पूछूंगी कि आप कौन कौन से पशुओं के पालक हैं और कौन कौन से पशुओं को आप संग्रह करके अपने पास रखते हैं, कौन कौन को पालते हैं? मैं गाय भैंस ज़्यादा पालता हूँ। अच्छा। और एक दो कुत्ते भी हैं छोटे, उनका ही उनको भी पालता हूँ, बाकी गाय भैंसों का मेरा ज़्यादा बिजनेस है, गाय भैंसों को मैं पालता हूँ ज़्यादा। अच्छा। और गर्मियों के दिनों में उनकी काफी केयर करना पड़ती है, एक्चुअली क्या है गर्मियों के दिनों में पानी का विशेष ध्यान, बिल्कुल हरा चारे की पूर्ति उनको होना चाहिए, बीच बीच में कैल्शियम उनको हम देते हैं दूध, क्योंकि गर्मियों के दिनों में गर्मी ज्यादा होने के कारण दूध कम हो जाता है, तो दूध का मात्रा बढ़ा प्रचुर मात्रा में रखने के लिए कैल्शियम का यूज भी करते हैं, तो उनको कैल्शियम पानी की व्यवस्था और ठंडे मौसम में थोड़ा बहुत बाहर भी उनको देना पड़ता है। मैम, आपसे पूछना चाहूंगी कि गर्मियों का मौसम में जो सबसे सेफ टेम्परेचर होता है बड़े पशु एवं छोटे पशुओं के लिए, तो क्या है वो सेफ टेम्परेचर? 20 to 30 रेंज जो होता है, 20 degrees to 30 degrees, 20 से कम भी है तब भी ठीक नहीं है और 30 से ऊपर है एनीथिंग। और जैसे हमारे देशी पशु हैं, जैसे ये क्योंकि हमारे भाई उसमें है फार्मिंग में है, सो आई वुड उसमें जो हमारे देशी पशु हैं तो जैसे कुछ क्रॉस HF आपने सुना होगा, HF जर्सी, ये बाहर के पशु हैं, इनके लिए तो 20 to 22 ही उनका आइडियल टेम्परेचर है, पर हमारी गायें 30 हमारी भैंसें 36-35 को भी अच्छा सस्टेन करती हैं और हमारी गायें 33 तक काफ़ी कंफर्टेबल है, उससे ऊपर जो भी होता है वो उनके लिए स्ट्रेसफुल रहता है। मैम, आपने मुझे बताया भी बड़े पशु और छोटे पशुओं का जो टेम्परेचर सेफ टेम्परेचर है,
तो मैम जैसे आकार के ऊपर भी क्या ये इस गर्मी का प्रभाव पड़ता होगा? आकार की वजह से भी क्या सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां? नहीं, आकार से नहीं है, क्योंकि इस अबाउट जो हमारा थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है हीट को अडॉप्ट करने का अपने बॉडी का, जैसे हम पसीना आता है और ये सब चीजें, ये सब ब्रीदिंग फास्ट कर देते हैं. आपने देखा होगा कि कुत्ते जो है वो टंग बाहर निकाल के ब्रीद करते हैं, बड़े जानवर भी मुंह खोल के ब्रीद करने लगते हैं. वो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, जानवरों की बॉडी में भी होता है सेम. तो वो उसके वजह से हीट को बाहर निकालते हैं, बट एक लिमिट के बाद वो बाहर नहीं निकल पाती है. सो इट्स नॉट, मैंने बॉडी की साइज से नहीं है. अच्छा. वो मैकेनिज्म किस में ज्यादा डेवलप्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे काउज में और बफेलो में ज्यादा डेवलप है, हमारी देशी जो नस्लें हैं उनमें. और अगर हम कुछ कुत्ते देखें, जैसे आपने ब्रीड सुना होगा पग्स, बुलडॉग, इनका क्या होता है, इनकी नोज साइज छोटी है. अच्छा. तो इनमें इनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है गर्मियों में, क्योंकि उनमें जो पैंटिंग और जो हीट को बाहर निकालने की बॉडी की खुद की कैपेसिटी है कम है, कम होती है. हाँ, सो दे नीड एक्स्ट्रा केयर. उनको नथुने छोटे होते हैं. हाँ जी, तो उनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए. ऐसे ही कुछ बिल्लियों की भी ब्रीड है जिनमें ऐसा होता है, बाहर की ब्रीड्स हैं वो, उनमें भी आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर जिनके नॉस्ट्रल्स छोटे हैं साइज में, ऐसे चपटा सा मुंह होता है ना जिन ब्रीड्स का, तो जैसे पग का होता है, आप अगर फेस देखेंगे उनका चपटी सी नाक होती, तो उनको हीट से ज्यादा बचाने की आवश्यकता है. नारायण जी, आपका अनुभव गर्मियों के दौरान, आप किस तरह अपने पशुओं का की देखभाल करते हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, उनको अवगत कराएं. गर्मी के दिनों में जैसे सुबह 10 बजे तक कम से कम उनको पानी की व्यवस्था की जाए. बिल्कुल. और शाम सुबह ही उनको अगर नहलाना है तो शाम सुबह नहलाना, दोपहर हम बिल्कुल नहीं नहलाना. और उनका जहाँ उनका बैठने का जगह जो डेयरी कहते हैं जो है, तो उसको साफ सफाई रखें, उसको शाम सुबह साफ सफाई करें, डेयरी को अच्छे से धोएं. गर्मी के दिनों में एक शिकायत और आती है, जैसे वो गांव में बोलते हैं किल्ली पड़ जाती है, चिपक जाता है उनको, कीटाणु होता है छोटा, उससे उसको बार बार उसको दवाई ववाई लगाए या पाउडर या कुछ चूना वूना पाउडर आता है चूने का, उनके जो जगह जो बैठने की होती है उसके चारों तरफ उसमें चूना डाले, ताकि उसके जो कीटाणु गए उसके अंडे वंडे उसमें नहीं पलते, चूने की मदद से. चूने की मदद से. हाँ, इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी आपको कि आप चूना तो इट्स वेरी गुड, पर उसके पहले आप, मैंने हमने कर किया है कई जगह और उसका फायदा भी मिला है, तो चूना और मिट्टी, सॉरी चूना एंड गोबर, इसको इक्वल क्वांटिटी में इसका आप जहाँ जानवर को बांधते हैं उसकी वॉल को 4 फीट तक प्लास्टर टाइप का, लिपाई जिसको बोलते हैं, ऐसा कर दीजिए, और उसके बाद आप चूना पोतिए हर 15 दिन में. 80% आपकी बिना दवाई के खत्म हो जाएगी. और तंबाकू की पत्ती का पानी में उबाल दीजिए, तंबाकू की पत्ती को, और उसका स्प्रे आप रोज करिए, आपको कोई, मैंने काफी हद तक आपको कंट्रोल मिल जाएगा. चलिए, तो मतलब इन्फेक्शंस को हम इस तरह घरेलू उपचार से, घरेलू उपाय से मवेशियों के लिए खासतौर पे, जो हमारे फार्मर्स भाई हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, वो अपने इस तरह ध्यान रख सकते हैं, प्रिवेंटिव की तरह ही यूज कर सकते हैं कि होए ना, अगर होए आप, ना. हाँ, अगर आप करते रहेंगे तो वो नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि होने पर ही प्रिवेंटिव, क्योंकि ट्रीटमेंट में थोड़ा दिक्कत होती है, ट्रीटमेंट में कई बार फिर हमें मेडिसिन ही यूज करनी पड़ती है. पर अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस वीकली स्प्रे में करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी. हाँ, तो आपको वो टिक्स आएंगे ही नहीं. आपके पशुओं में ऐसी कोई बीमारियां गर्मियों के मौसम में और कोई सी जो आप उनका निवारण करते हैं, तो आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव बांट सकते हैं? गर्मियों में तो वैसे लू लगने का ज्यादा रहता है, तो उसको सुरक्षित रखो तो लू भी नहीं लगती है गर्मी में, जैसे टाइम पे उनको भोजन पानी और छांव में बांधना इस तरह. तो गर्मी में, सर्दियों में ज्यादा दिक्कत रहती है, गर्मी में नहीं आती इतनी, ठंडी लग जाती है तो उसको काढ़ा वाड़ा बना के पिलाते हैं, उसमें अजवाइन लौंग ऐसा काढ़ा बनाते हैं, और जैसे 1 लीटर अपन ने उबाल लिया उसको, तो ये देसी पद्धति के द्वारा हम करते हैं ज्यादातर, देसी पद्धति से अगर गर्मी से बचा देरी करेंगे तो ही ज्यादा फायदा रहेगा. बिल्कुल, बिल्कुल. मेडिसिन और हमेशा मतलब इलाज ही करवाते रहेंगे तो किसान क्या कमा पाएगा उसमें कोई. हां सही. इसमें आप ना आंवला का पाउडर और सोडा, खाने वाला सोडा, ये ऐड कर सकते हैं खाने में. 10 ग्राम आंवले का पाउडर, 10 से 15 ग्राम, और सोडा करीब करीब 30 से 50 ग्राम, वजन के हिसाब से. अगर आपकी गाय 400 किलो से ऊपर है तो 50 ग्राम देना होगा, अदरवाइज 30 ग्राम ठीक है. उससे जो मैंने आपको बताया था ना, रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी.
और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी इक्वली अवेलेबल रहेगी एंड उसका जो आमला है वो उसमें विटामिन सी होता है अच्छा. ना वो बॉडी उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाता है तो फिर धूप नहीं लगेगी अगर कभी चला भी गया. बिल्कुल मैम, जैसे आपने बड़े मवेशियों के बारे में बताया तो जो पालतू पशु पालक हैं जैसे डॉग्स हैं कैनाइंस हैं तो उनके लिए क्या कोई घरेलू उपचार की क्योंकि उस समय वो खाना पीना छोड़ देते बिल्कुल छोड़ देते तो आप कुछ घरेलू उपाय इनके लिए भी बताएं. हाँ जी, उनके लिए सबसे पहले जैसे बड़े के लिए वैसे छोटे के लिए पानी की अवेलेबिलिटी 24 आवर्स होना चाहिए. क्या होता है कि जनरली पेट ओनर्स 2 या 3 बार उनको पानी रख देते हैं. हाँ जी. ऐसा नहीं होना चाहिए, पानी उनके बोल में पूरे टाइम भरा हुआ होना चाहिए. और अगर ज़्यादा गर्मी होती है जब 40 अभी जैसे टेम्परेचर चल रहा है बहुत ज़्यादा उस समय हम आइस भी यूज कर सकते हैं स्मॉल एनिमल्स के लिए. बर्फ आप उसमें डाल दीजिए उसके पानी वाले में, बर्फ ही रख दीजिए. और अगर आपको कभी लगता है कि एनिमल मैंने आपका पशु कम खा रहा है पेट तो आप उसमें ग्लूकोज भी डाल सकते हैं उस बर्फ के ऊपर या फिर आप पानी में ग्लूकोज डाल के उसको जमा दीजिए. यूजली डॉग्स और जो पालतू जानवर है वो खाना पीना छोड़ देते हैं तो ये ग्लूकोज के बिल्कुल उसकी कैंडीज टाइप की मैंने आपके बिल्कुल आइसक्रीम नहीं आइस क्रिस्टल टाइप बन जाएंगे एंड आप उसको आइस क्यूब्स बन जाएंगे बेसिकली जो कि थोड़े से ग्लूकोज से रिच होंगे और आप उसको अगर उसको बीच बीच में देते रहें तो वो प्रिवेंटिव भी है और ट्रीटमेंट में भी हम एडवाइस करते हैं. डॉगी को पसीना नहीं आता जैसे इंसान होता है, इंसान को गर्मी जो है पसीने से बाहर आ जाती है, डॉगी को पसीना नहीं आता तो इस कारण उसको गर्मी टेम्परेचर उसका ज्यादा है इंसान की अपेक्षा डॉगी को ज्यादा. इसलिए वो जो पॉज मैंने आपको बताया ना जिसके पंजे होते हैं इसलिए उनको बहुत प्रोटेक्शन देना है कि जो भी हीट निकल रही है वो सिर्फ पंजों से बेसिकली ज्यादातर निकलती है ज्यादातर नॉट उसी से बट हाँ ज्यादातर. और सेकंड उनका मैकेनिज्म होता है पैंटिंग जो वो टंग निकाल के ब्रीथ करते हैं तो अगर लक्षण में आ जाता होगा कि अगर बहुत ज्यादा पैंटिंग कर रहा है नॉर्मल से तो आप को समझना होगा कि ये मैंने स्ट्रेस में आ रहा है. मैम समय हो गया, दर्शकों समय हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में. They first participated in a school online round and then they moved on to the district round. Wow. After that, they moved on to the state and union territory round and then preliminary round at the Doordarshan studios aur waha par bhi ye log jeete. Amazing. Incredible. It's a game of norms. Recycling. Wrong. It's a game of knowledge. Green revolution. Is correct. नेशनल पर इंडिया का अपना चैनल. भी उठे न सके हम ऐसे गिरे अपनों की नजर में रह रह के रिसता है दर्द कैसे एक भूल का शूल चुभता जिगर में मैं सांसों का मेला पर दिल है अकेला सिर्फ डीडी नेशनल पर इंडिया का अपना चैनल. कष्ट नहीं डॉक्टर साहब, दस्त है. अच्छा ये एक बात बताइए कि आपको कितनी बार नसता है? 7 बार हुआ है. जरा लंबे लंबे सांस लीजिए. अरे डॉक्टर साहब कान पर तो लगाइए. मैं भी कहूँ तो आवाज नहीं आ रही. आप देखो ज्यादा जोर से लेंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए. मामला बहुत गड़बड़ है. क्या हुआ? आओ नई शुरुआत करें, साफ करें, चलो साफ करें. देखिए धारावाहिक चलो साफ करें शनिवार और रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. साफ करें टोली कुमकुम टिकली बिंदिया चूड़ी कंगना पी कांगना.
सिर्फ डीडी नेशनल पर इंडिया का अपना चैनल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम पेट केयर में। आज हमारे साथ थी डॉक्टर दीपाली देशपांडे जी। हम आज चर्चा कर रहे थे कि पालतू पशुओं में गर्मियों में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं एवं उसका निदान कैसे किया जा सकता है। मैम, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे छोटे जानवरों की बात की कि किस तरह उनका ध्यान रखा जाए। मैम, आपने ब्रेक में चर्चा में बताया था हमें कि बड़े जानवरों में कौन कौन सी बीमारियां गर्मियों में खासतौर पे देखी जाती हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव के बारे में आपने बताया कि जो मवेशी हैं वो दूध देना कम कर देते हैं। मैम, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे किसान भाई जो पशुपालक हैं गायों के भैंसों के, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, अगर दूध देना तो कम कर देते हैं, क्योंकि ये दूध देना एक पूरी हार्मोनल प्रोसेस होती है। तो जब हीट बहुत ज़्यादा होती है तो जो हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है, हाँ, वो हमारे ब्रेन के पशु के जो सींग वाले हिस्से में होता है। अच्छा। सो मोर एक्सपोजर टू हीट, वो वहाँ से ही सिस्टम फेल होने लगता है। तो अच्छा। आप दूध तक वो और फिर एक कारण ये होता है, और सेकंड कारण होता है कि जानवर कम खाने लगता है। बिल्कुल। सो उससे भी प्रभाव दूध पे पड़ता है। तो दोनों चीज़ें हमें बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि अगर हरा चारा, जैसे भाई साहब ने कहा कि हरा चारा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, पर क्या होता है कि इस मौसम में वो मिल पाना बहुत कठिन होता है। तो अब नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तो जैसे कि अभी मैंने चर्चा की थी कि आंवला पाउडर और ये सोडा बाइकार्ब, जिसको हम खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा, ये आप उनके दाने भूसे में अगर डाल दें, और उसको ज्यादातर गाँव में तो प्रैक्टिस है कि सब लोग गीला करके ही खिलाते हैं, तो भूसा अगर खिलाना है तो कभी भी बिना गीला करे ना खिलाएं, गर्मियों में खासकर। तो इससे काफी क्या कारण है मैम, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि उनको वाटर रिक्वायरमेंट, जो दूध के प्रोडक्शन की वाटर रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा है। एक जो जानवर जो दूध नहीं दे रहा है और एक जो जानवर दूध दे रहा है, उसके वाटर रिक्वायरमेंट में 3 गुना का अंतर है, क्योंकि दूध में पानी जा रहा है। सो उसकी बॉडी से ही जा रहा है ऑब्वियसली। तो इसलिए हम दूध में, क्योंकि वो है, तो लगभग अगर आपकी 8-9 लीटर देने वाली पशु है तो उसको 80-90 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, है ना। और नॉर्मल 2-3 लीटर वाले को भी 30-35 लीटर चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी किसान भाइयों में यही है कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जरूरत है, वो उन्हें नहीं मालूम। अगर आप सिर्फ पानी ही इतना पर्याप्त मात्रा में पिला दें तो बहुत कम चांसेस है कि अगर पेड़ की छाया भी पशु को है तो उसको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। अच्छा। हीट स्ट्रेस में वो नहीं आएगी। यदि उसको फुल टाइम पानी सप्लाई हो, 24 आवर्स होना चाहिए, 24 घंटे उसको पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, जो कि हमारे अभी जो हमारा सिस्टम है डेयरी फार्मिंग का, या जो पेट्स, मैंने जो डोसाइल ऐसे 2-4 जानवर रखते हैं सिर्फ अपने लिए, उनका उनमें भी ये प्रैक्टिस नहीं है। वो 2 बार पानी पिला देते हैं बस दिन भर में, विच इज जो कारण है धूप लगने का। एक्चुअली अगर पानी उनको 24 घंटे मिलेगा तो वो, मैंने ये सबसे सिंपलेस्ट घरेलू उपाय है कि अगर उनको 24 घंटे पानी उपलब्ध है तो उनको गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी 80% तक। दर्शकों, बहुत अच्छी, हमारे विशेषज्ञ ने आज हमें एक सजेशन दिया कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे पालतू पशुओं में। एक यही कारण है जिसकी वजह से हम सनस्ट्रोक से उन्हें बचा सकते हैं और गर्मियों में अन्य बीमारियों से भी उन्हें बचा सकते हैं। मैम, जैसे स्ट्रे एनिमल्स जो रहते हैं, हम देखते हैं शहरों में हैं, रहते हैं, गाय हैं जो बीमार पड़ जाती हैं, या हमें हमारी कॉलोनी के आसपास, रेसिडेंशियल एरिया के आसपास हमें देखने को मिलती, तो मैम ऐसी कोई संस्था है जैसे आसरा ही नाम है उसका। अच्छा। उसका आसरा ही नाम है, गवर्नमेंट उसको चलाती है, एंड उसका नगर निगम के साथ भी उनका टाई अप है, और उनका एक फोन नंबर है जो हेल्पलाइन नंबर है उनका। आप लोग की स्क्रीन में दर्शकों को दिख रहा होगा 1962 करके, 1962 आसरा का नहीं है, 1962 तो किसी भी एनिमल के लिए, कोई भी हमारा पशुपालक है और कोई भी है, वो 1962 पे कॉल करके अपने प्रॉब्लम इशू रिपोर्ट कर सकता है। वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा। वो आपको फोन पे सलाह देते हैं, और अगर जरूरत है तो वो आपके एरिया के डॉक्टर को वहाँ से इंफॉर्मेशन चली जाती है और वो आपको अटेंड करते हैं। लेकिन आसरा जो है वो थोड़ा, मैंने सिर्फ
अभी भोपाल में ही हैं और दूसरे शहरों में अभी नहीं है, लेकिन भोपाल में हैं और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से कांटेक्ट करके वहाँ से कभी कभी मैंने गाड़ी भी उपलब्ध कराते हैं और वो स्ट्रे एनिमल को ले जाकर ठीक करके वापस वहाँ छोड़ते हैं। ये प्रोसेस है उसकी। नारायण जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जैसे आप गायों को पालते हैं, गायों के पालक हैं, तो क्या इसको एक एम्प्लॉयमेंट की तरीके से भी देखा जा सकता है कि कोई रोजगार का माध्यम भी इसमें देखा जा सकता है? बिल्कुल, ये तो रोजगार ही है कुल मिलाकर। जी बिल्कुल, अपने भोपाल में भी कई जगह, भोपाल से नजदीक सिटी है, उसके कई आसपास के गांवों में ज्यादातर यही बिजनेस होता है। जी, ग्रामीण क्षेत्र कृषि, एक्चुअली क्या है, ये कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, जो किसान है उसको पशु पालना जरूरी है, बिल्कुल एक जरूरत भी है और एक बिजनेस भी है, दोनों ये एक दूसरे से रिलेटिव बिजनेस ही है। कृषि का जो भूसा निकलता है या हरा चारा निकलता है वो पशुओं का काम आता है, पशु से जो गोबर होता है वो खाद के रूप में किसान ही जाता है, वो जो कि रासायन का यूज नहीं करते किसान, ज्यादातर गाँव के किसान ज्यादातर रसायन यूज ही नहीं करते, तो उनका एक दूसरे का पूरक, इधर कृषि में उनका गोबर खाद के रूप में, उसका जो चारा हरा चारा है या भूसा है गेहूं का भूसा, वो पशुपालन में, तो एक दूसरे का पूरक, मतलब उनको ना करो लागत लगे, जो दाना है वो ही खरीदना पड़ता है, बाकी टोटल एक दूसरे का मतलब पूरा का एक अच्छा बिजनेस है, गाय भैंसों का बिजनेस करो, बहुत अच्छा बिजनेस है। मैम, जैसे इस गर्मी के मौसम में गायें दूध देना कम कर देती हैं, भैंसे दूध देना कम कर देती, तो हम ऐसी समस्या से जो किसान भाई जूझ रहे हैं या जो हमारे पशुपालक हैं, तो आप उनको क्या बताएंगे, क्या कोई सुझाव देंगे कि घरेलू उपाय या किसी के द्वारा किसी माध्यम से वो इसे देख सकते? हाँ, उसके लिए ना उनको शुरू से ही वो करना होगा, मीन्स अगर दूध कम हो जाता है उसके बाद हम जब कुछ चीज़ें देते हैं तो हम दे सकते हैं, खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी जा सकती हैं, जैसे बैलेंस डाइट हो, जिसको जैसे संतुलित आहार, वो भी एक बहुत समस्या है, जैसे भाई साहब ने कहा कि दाना उन्हें खरीदना पड़ता है, मुझे लगता है वो भी खरीदने की जरूरत नहीं है, जो आप उगाते हैं, अगर आपको सिर्फ ये है कि किसी से पूछना होगा, जैसे कोई भी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको एक फॉर्मुलेशन करके दे सकता है, आपके पास जो भी है, आपके पास चना है, आपके पास जो है, आपके पास जो है आपके पास मक्का हो सकता है, तो उस वो आप नहीं, आप अगर ये बता सकें कि ये, तो वो ये बता सकते हैं आपको कि कितना कितना क्या, तो उसमें उसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स, ये जब बैलेंस रहेंगे तो मैंने बेसिकली क्या होता है कि जानवर जैसे हीट बढ़ती है ना, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो नेगेटिव बैलेंस, एनर्जी बैलेंस में चला जाता है, बिल्कुल, सो वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में उसको नहीं जाने देना, अगर वो पॉजिटिव में रहेगा या न्यूट्रल रहेगा तो उसमें दूध की कमी नहीं आएगी। सो वो उसकी प्लानिंग, जैसे अगर आपका दुधारू पशु है, आपको पता है कि कितना दूध देता है, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, उसके हिसाब से आपको उसकी डाइट प्लान करनी होगी, और गर्मी शुरू होने के पहले ही आप अगर उसको उस डाइट पे रखते हैं तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। मैम, जैसे जो गर्मियों के मौसम में कुत्ते बिल्ली जो पालक हैं, तो इनमें गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देखा जाता है क्या टिक्स और इन्फेक्शन होना? हाँ, टिक्स एक्चुअली बहुत कॉमन है गर्मियों में, और जब टिक्स होते हैं तो मैंने बहुत कॉमन है ही वो, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, पर उसको हम कंट्रोल इसी तरह जो हमने पहले बात की उस तरह से कर सकते हैं, डॉग्स में तो बहुत सारे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा। हम तो वो उनका यूज़ ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि वो सेफ़ है उनके लिए, एनिमल्स के लिए भी सेफ़ है, पर क्योंकि ज़्यादातर काउस को या बकरों को हम, गाय भैंसों को हम इसलिए पालते हैं कि हम उनसे कुछ ले रहे हैं, तो उस केस में अगर आपकी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है मिल्क की, जितने भी महंगे प्रोडक्ट्स आप बाजार से खरीद के यूज़ करते हैं तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, पर पैट के रूप में जब हम डॉग्स या कैट होते हैं तो स्पेशली अगर कोई ब्रीडर्स हैं या वो अगर कमर्शियली यूज करें तब उनका इंक्लूड होता है उसमें, बट अदरवाइज नॉर्मल में जो हमारे जो सिर्फ अपने लेजर के लिए, अपने खुशी के लिए पालते हैं, हॉबी के लिए, खुशी के लिए पालते हैं, तो उनके लिए ये मैटर नहीं करता है, तो बहुत सारे स्प्रेस, बहुत सारे इंजेक्शन अवेलेबल हैं जो अगर रेगुलर बेसिस पे यूज की जाए, और एक ब्रशिंग
सबसे अच्छा गाय के लिए भी और डॉग्स के लिए भी. अच्छा. वो हीट से भी प्रोटेक्ट करता है. अच्छा. टैंगल्स नहीं बनने चाहिए उनके. अच्छा. जो बाल रहते हैं अगर वो उलझते हैं तो हीट डिसिपेशन और स्लो हो जाता है. तो हम कहते हैं कि आप उनकी ब्रशिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ डे करते रहें, विशेषकर हाफ उनकी जो कटिंग है से बाल अगर एक 4 इंच के हैं तो उसको कम से कम 2 इंच में लाना चाहिए. अच्छा. मिनिमम 1 इंच, उससे नीचे नहीं, क्योंकि वो बाल उनको धूप से प्रोटेक्ट भी करते हैं. लेकिन 1 इंच से 1-2 इंच के बीच में रखिए, तो 1 इंच इज आइडियल. कर सकते हैं आप 1-2 इंच के बीच में रख के उनको बाकी कट कर दीजिए. अगर आप और अगर बाहर रख रहे हैं, अंदर रख रहे हैं तो घर के अंदर तो इशू नहीं है कोई भी. पर जैसे बड़े जानवरों को तो हम बाहर ही रखते हैं. वही मेरा नेक्स्ट अगला सवाल संक्षेप में मैं आपसे उत्तर चाहूंगी कि जिस तरह बाहर शेड में रखते हैं, टीन के शेड में यूजली रखते हैं, तो गर्मी बहुत ज्यादा रहती है. तो हम क्या ऐसी छाया उनको दे सकते हैं, किस माध्यम से? उनको टीन में तो रखते ही हैं, गर्मी तो रहती है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए एक सजेशन है कि जो घास होती है आपकी, घास डालिए और सिर्फ घास मत डालिए. घास क्योंकि घास उड़ जाती है, तो उसके ऊपर आप डंक और गोबर और मिट्टी का प्लास्टर चला दीजिए, तो उससे कूलिंग कम से कम 4-5 डिग्री कम. टाट के बोरे वगैरह जो वो भी यूज करें, वो आप टांग भी सकते हैं गीले करके. कुछ कूलर वगैरह बड़े बड़े कूलर से आते हैं तो कूलर की व्यवस्था की जा सकती है. हाँ, वो तो खैर हर किसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो अगर वो नहीं हो तो आप जो बोरे होते हैं ना जूट वाले, मतलब जो अपना अनाज जिसमें, उसको आप गीले करके टांग सकते हैं सिर्फ. और क्योंकि जो नॉर्मल बाहर से हवा आती है लू जिसको बोलते हैं, पर जब जानवर तक पहुंचती तो ठंडी हो जाती है. सवाल और यहाँ पूछूंगी कि मनोविज्ञानी के रूप से जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, गाय होती है हमारी, वो किस तरह जुड़े रहते हैं? संक्षेप में हमारे दर्शकों को एक उत्तर दें आप. बहुत जुड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं कि वो मैंने अगर खाना पीना भी छोड़ देते हैं अगर उनका ओनर कहीं चले जाए. एंड अगर आप उनके सामने आते हैं तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म, मतलब आपका ऐसा एकदम स्वागत टाइप का करते हैं. तो और इवन गाय भैंसों में भी सेम ही है, वो भी दूध अगर उनका दूध धोने वाला आदमी का तक हाथ पे पहचानती है. अच्छा. अगर दूध धोने वाला जो है उनका वाला अगर वो कहीं चला जाए और दूसरा कोई उसको टच करे तो कई बार वो दूध देती नहीं. आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है नारायण जी, तो आप इस बारे में मनोविज्ञानी जी? बिल्कुल है, जैसे डेयरियों में ऐसा रहता है, हम लोग जैसे हम लोग जो पशु पालन करते हैं, हमारी जो स्वयं की गाय है तो हमारी गाय जैसे हम आवाज हमारी आवाज अगर सुन ले भले हमारी शक्ल नहीं देख पाए तो वो वैसे ही रमाने लग जाती है. बिल्कुल. क्यों? मालिक आवाज सुन के, मतलब मनोविज्ञानी के उनमें है. दूसरा चीज जैसे मैडम ने बताया के दूध के लिए भी आवाज सही है कि गांव में कहते एक हत्ती गाय हो गई है कि एक उसी को मालिक को दूध देगी, अगला कोई उसके घर में से कोई बैठता भले उसको चारा देता तो उसको दूध नहीं लगाने देगी. अच्छा. ये होता है. बहुत अच्छी बात, आज बहुत अच्छी चर्चा की आपसे और आप लोगों ने विशेषज्ञ के रूप में आपने हमें बहुत हमारे दर्शकों को बहुत लाभ पहुँचाया. दर्शकों मिलते हैं पेट केयर के अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार. पिताजी, सुना है आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं? हाँ बेटा. क्यों? तो पंजीकरण करवाना मत भूलना, वरना बाद में परेशानी होगी. याद है ना, पंजीकरण ना करवाने के कारण पिछली बार लखनऊ वाले चाचा जी को बालटल से वापस लौटना पड़ा था. क्या पंजीकरण इतना जरूरी है? हाँ पिताजी, यात्रा के लिए पंजीकरण बहुत आवश्यक है, इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं है. लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने शहर में ही यात्रा के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं. वो कैसे? श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने देश भर में कुछ बैंकों को यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी सौंपी है. वहाँ से रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा. फॉर्म भरकर जमा करवाएं और निर्धारित दिन के लिए यात्रा परमिट प्राप्त करें. रही बैंक शाखाओं की जानकारी की बात, तो ऐसे बैंकों की सूची श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है. अच्छा, तुम वेबसाइट से बैंक का नाम पता निकाल, मैं अभी पंजीकरण करवाने जाता हूँ. दादू जी. हाँ बेटा. मेरा पंजीकरण भी करा लेना. अच्छा, मैं भी अमरनाथ जी जाऊंगी. नहीं बेटा, 13 साल से कम और 75 साल से अधिक आयु के लोगों को यात्रा के लिए रजिस्टर नहीं किया जा रहा. यात्रियों की सुविधा